नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पूरे फॉर्म में थे और सदन में उन्होंने खूब खुलासे किए और सरकार पर जमकर आरोप लगाया। पर सरकार पर आरोप तो उन्होंने लगाए हैं, अब उनके आरोपों का जवाब दिया है। पथ निर्माण मंत्री हैं जो बिहार सरकार के, नितिन नवीन, उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है और तेजस्वी यादव की पोल खोल के रख दी है। आपको बताएं, दरअसल पथ निर्माण विभाग जो है नितिन नवीन के जिम्मे है, कभी ये तेजस्वी यादव के भी जिम्मे था। जब 18 महीने जब वो सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, तो पथ निर्माण विभाग उन्हीं के जिम्मे था। तो पथ निर्माण विभाग की फाइलों को पढ़ने के बाद वर्तमान मंत्री जो है नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के कार्यकाल की पोल खोलकर रख दी है। आपको हम सुनाएंगे तमाम वो बयान नितिन नवीन का, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या किया तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में, ये भी उन्होंने आज पोल खोली। दरअसल तमाम तरह के सवाल उठे पथ निर्माण विभाग के कार्यशैली पर और जो अभी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं पर, तो आज उन्होंने तगड़ा जवाब दिया सदन के बाहर। पथ निर्माण मंत्री जो हैं नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। हमें जो गंगा नदी पे जो पुलों की संख्या थी उनके समय में 10 लेन का था, आज हमारे समय में 62 लेन का पुल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो उत्तर से दक्षिण पटना को जोड़ने का जो बड़ा सेतु होता है, आज पहली बार उत्तर से दक्षिण का हम लोग एक्सप्रेसवे लेने जा रहे हैं। जो दरभंगा आमस पथ हम लोग अभी करने जा रहे हैं, वो आमस से लेकर दरभंगा एयरपोर्ट, और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा जो एयरपोर्टों के लिंकिंग का काम, वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। वो 18 महीने की जो चर्चा कर रहे थे, वो 18 महीने का जब खाका निकाला मैंने, तो पता चला कि वैशाली और छपरा को छोड़कर वो कहीं भी काम नहीं, सबसे अधिक पैसा वो वैशाली छपरा में गई। तो मंत्री बने थे बिहार सरकार के, लेकिन छपरा और वैशाली तक ही सीमित थे। तो ये सारे सवालों का जवाब उनको हाउस में दिया जा सकता था, पर वो इसलिए बॉयकॉट करने के लिए चले गए क्योंकि उनको सवालों का जवाब सुनने में इच्छा नहीं थी। मंत्री जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनियां समय पर काम नहीं कर रही हैं उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। देखिए, मैंने जिस उन्होंने दिगा बिदुपुर और एथी की जो चर्चा की, उसमें शुरू में 4 वर्षों का काम दिया गया था, बाद में उसका जब असेसमेंट किया गया तो उसको लगा कि वो 6 वर्षों का, चूंकि गंगा पर किसी भी पुल को बनना है, 6 लेन का बनना है, तो उसके लिए जो समय की सीमा है वो पहले जो कल्पना थी वो 4, लेकिन बाद में जो उसको फिजिबिलिटी चेक किया गया, जब भू अर्जन का काम कंप्लीट होने लगा, तब अंदाजा मिला कि नहीं, ये 6 वर्ष। तो चीज़ों को व्यवहारिक रूप से भी देखने का, केवल सदन के पटल पर उठा देने से नहीं चलेगा ना। हम तो पूछने चाहे थे कि जो 18 महीने में उन्होंने जो काम किया उसकी एक भी योजना, जो कोई बड़ी योजना जिसकी चर्चा वो कर पाते। OPIMC माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, और वो ये भूल जाते हैं कि वो 18 महीने भी वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम किए थे, ये बात वो शायद भूल जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंदू कार्ड ना खेले बीजेपी उनके साथ। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी 18 महीने का हवाला दे रहे हैं, पर 18 महीने में उन्होंने केवल केवल और केवल छपरा और वैशाली, इन 2 जिलों में ही काम किया, और आज जो सरकार कर रही है पूरे बिहार के लिए कर रही है, और चीजों को व्यवहारिक रूप से वो नहीं देख रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं नितिन नवीन, और भूल जा रहे हैं कि वो 18 महीने उन्होंने जो काम किया है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही काम किया है। तो तेजस्वी यादव को तगड़ा जवाब दिया है नितिन नवीन ने। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनिए कि आगे वो क्या कह रहे हैं। प्लान देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछले 15 वर्षों का जो सफ़र रहा उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की, कि किस प्रकार से सड़कों का जाल बिहार में बिछा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि 5 घंटे में हम राज्य के रिमोट इलाके से भी पटना पहुंच सके, उस कल्पना को साकार करने में हम लोग लगे हैं, और उसी के तहत कई योजनाओं की शुरुआत भी हम लोगों ने की है। अभी तक हम लोग पथों के मेंटेनेंस का काम करते थे, आने वाले वर्षों में हम पुल मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत भी आ रहे हैं, जिसके माध्यम से पुलों के भी मेंटेनेंस का काम बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग करेगा। साथ ही साथ जो कई OPIMC की जो सड़कें होती हैं, जो 8000 किलोमीटर फर्स्ट फेज में हम लोगों ने लिया था, सेकेंड फेज में हम लोग 13000 किलोमीटर की सड़कों का मेंटेनेंस करेंगे। हम लोगों ने 5 नए SH को घोषित किया है, जिसके माध्यम से करीब 283 किलोमीटर की सड़कें हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में बनाने जा रहे हैं, और करीब 2800 करोड़ की योजना से उसमें। साथ ही साथ सुलभ संपर्कता पथ को, जो कि कई बाईपास, जो अल्टरनेट बाईपास का हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं अगले वित्तीय वर्ष में। साथ ही साथ
बड़े पैमाने पे जो हमारे यहाँ विषय आते थे सड़कों के रखरखाव के साथ साथ पुलों का, वो तो मैंने विषय आपको अभी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कई विषय उठाए थे। बड़ा रोचक तथ्य यह है कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया सदन में वही गलत आंकड़ा दिए। अभी उन्होंने कहा कि CRF के तहत 1000 करोड़ रुपया आया, अभी तक CRF के तहत कभी भी 1000 करोड़ रुपया नहीं आया, इस वित्तीय वर्ष में ही केवल 500 करोड़ रुपया सबसे अधिक आया। उन्होंने जो कहा कि 2 लेन और 4 लेन की सड़कों का जिक्र किया, तो करीब 543 प्रखंडों में हम लोगों ने 2 लेन का काम शुरू कर दिया है, जो प्रखंडों को ब्लॉक से जोड़ेगा, और साथ ही साथ जिलों में भी जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट फेज है विस्तृत मास्टर प्लान जो हम लोग बना रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा, रोड मेंटेनेंस के, रोड के। तो उन्होंने बताया कि 15 वर्षों का सफर किस तरह से रहा NDA सरकार का, और अब सरकार के पास क्या क्या योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी, और साफ तौर पे कहा कि सड़कों के मेंटेनेंस के साथ साथ अब पुलों के मेंटेनेंस का भी की व्यवस्था सरकार करने जा रही है, और जो निर्माण एजेंसी होगी अब उन्हें ही ये जिम्मा संभालना होगा। अब 6 SH मतलब 6 स्टेट हाईवे बनाने का ऐलान भी सरकार ने किया है, यानी पूरी तरह से काम किया जा रहा है पथ निर्माण विभाग में, उसकी उन्होंने योजना बताई। साथ ही साथ एक और राज खोला तेजस्वी यादव का, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो सदन में आंकड़ा दिया है वो पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, आंकड़ों का हवाला देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि CRF की राशि कभी 1000 करोड़ बिहार में आई ही नहीं, यानी जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे CRF की 1000 करोड़ की राशि आने का, उन्होंने कहा कि अभी इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपया CRF की राशि आई है, और इससे ज़्यादा कभी आई ही नहीं राशि। तो तेजस्वी के आंकड़ों को भी गलत ठहरा दिया है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने। युवा मंत्री हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, और बड़े विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं नितिन नवीन। तो नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के पुराने विभाग का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, और बताया है कि तेजस्वी यादव ने अपने 18 महीने के कार्यकाल में क्या किया था, जिसका वो हवाला देते चल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये मत भूलिएगा जो 18 महीने आपने काम किया है वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही काम किया है। तो बड़ी पोल खोल दी है पथ निर्माण मंत्री ने, तेजस्वी यादव के आंकड़ों को गलत भी ठहरा दिया। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।